एप्स। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो कि एक बीच के किनारे इंटीमेट हो रहे थे। दोनों इस टाइम वहां अकेले होते हैं। इंटीमेट होते वक्त उस लड़की को उनके पास एक अजीब सा क्रैब यानी कि केकड़ा दिखाई देता है जो कि फिश के शेप का था। उस लड़की को वो काफी अजीब लगता है, जिसके बाद वो उसे उठाकर देखने लगती है। उन दोनों को लग रहा था कि ये शायद मर गया होगा, इस वजह से वो उसके साथ फोटोज लेने लगते हैं। लेकिन तभी वो केकड़ा उठ जाता है और उस लड़के के मुंह पर चिपक जाता है। इस वजह से लड़के के चेहरे से काफी खून बहने लगता है। लड़की उसे हटाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो साथ ही साथ उससे डर भी रही थी। इसके बाद वो एक पत्थर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर उस पर मारती है वो वहाँ से हट जाता है और वो पत्थर अपने बॉयफ्रेंड को मार देती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर वो काफी घबरा जाती है और तभी वो केकड़ा उस पर भी हमला कर देता है। अब सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हम एक लड़के फिलिप और उसकी फ्रेंड मैडी को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि फिलिप के पैर पैरालाइज हैं, जिस वजह से वो एक व्हील चेयर का यूज करता है। मैडी उसे उसके गैरेज की तरफ ले जा रही थी क्योंकि फिलिप वहाँ रोज कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता है। आगे हमें पता चलता है कि फिलिप का भाई हंटर जो कि एक पुलिस ऑफिसर है वो इस जगह को बेचना चाहता है, लेकिन फिलिप इस बात के लिए राजी नहीं था और वो सेल लगे हुए बैनर भी मैडी से हटवा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक चीज मंगाई थी जो कि उसे मिल गई है। फिलिप अपना एक नया रोबोट बनाने की कोशिश में था। उसका सपना था कि वो आर्मी के लिए रोबोट्स बनाए। खैर वो दोनों गैरेज में आकर उस चीज को चेक करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो चीज एक मिनी लेजर लाइट बैटरी है। इस चीज का ट्रायल करते वक्त एक पुलिस ऑफिसर फ्लैनिगन उससे बच जाता है। वो भी इस एक्सपेरिमेंट को देखकर हैरान होता है, लेकिन वो उनसे इस बारे में कुछ नहीं कहता। वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ हंटर भी आ जाता है। वो बैनर को नीचे पड़ा देखकर फिलिप से मना करता है कि वो फिर से बैनर ना हटाए। तभी उन्हें कंट्रोल रूम से फोन आता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि बीच के किनारे एक व्हेल मछली मरी पड़ी है। इसके बाद फ्लैनिगन और हंटर उसे देखने चले जाते हैं और मैडी भी अपने घर की तरफ निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि व्हेल की हालत काफी खराब है। देखने से लग रहा था कि किसी ने उसे बुरी तरह खाकर पानी से बाहर कर दिया है। उन दोनों को उसके पास से काफी बदबू आ रही थी। हंटर को शक होता है कि ये एलियंस का काम है। उन्हें लगने लगता है कि पानी में कुछ अजीब चीज जरूर है, जिसने एक व्हेल का ये हाल किया है। इसके बाद वो दोनों तरफ देखने के लिए चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब वो दोनों भाई अलग अलग वैन में रहते हैं, यानी उनके पास अपना घर नहीं है, अब से यही उनका घर है। हंटर ऑफिस जाते वक्त पिज्जा का एक टुकड़ा बाहर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि एक केकड़ा वहाँ आकर उसे ले जाता है। आगे हम फिलिप को देखते हैं जो अपने स्कूल आया होता है। उसे बाहर मैडी मिल जाती है, जिसके साथ वो अंदर आ जाता है। अपने बायोलॉजी की क्लास में उन्हें एक बिल्ली की डेड बॉडी पर प्रैक्टिकल करना था। उनकी टीचर और कोई नहीं मैडी की मॉम मैन रैथ ही होती हैं। क्लास खत्म होने के बाद फिलिप को उसका फ्रेंड राडू मिलता है। वो मैडी को अपने साथ डेट पर चलने को कहता है। असल में कल उनके स्कूल में एक पार्टी होती है, लेकिन वो उसे बताती है कि उसने फिलिप के साथ पहले ही डेट बुक कर दी है। दूसरी तरफ हंटर को बीच पर एक कंकाल का हाथ मिलता है। हम समझ जाते हैं कि ये उसी लड़के का हाथ है, इसे हम मूवी के शुरू में देख चुके हैं। फिर वो खून के निशानों का पीछा करते हुए एक गुफा में आ जाते हैं। हंटर उसमें अकेला ही जाता है, जबकि फ्लैनिगन बाहर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगता है। हंटर को उसकी दूसरी साइड इंसानों के खाए हुए पैर मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो घबरा जाता है। तभी उसे वहाँ वही लड़की मिलती है जिसे हमने शुरू में देखा था। उसकी एक आंख को केकड़े ने खा लिया था। वो हंटर से बताती है कि ये सब केकड़ों ने किया है। हंटर उस लड़की को देखकर डर जाता है और फ्लैनिगन को बुलाने लगता है। अब रात में रूडो एक जगह पर अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी यहाँ कुछ केकड़े आ जाते हैं और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। किसी तरह रूडो वहाँ से बचकर बाहर आ जाता है। अब रात में जब फिलिप गैरेज में अपना काम कर रहा होता है, तभी हंटर उसके पास आता है और उसके काम को देखने लगता है। फिलिप उसे उसी लेजर वाली बैटरी के बारे में बताने लगता है कि यह काफी पावरफुल चीज है। इसके बाद फिलिप अपने लिए उसी बैटरी की मदद से एक गैजेट तैयार कर लेता है, जिससे वो चल पाए। वो जैसे ही बैटरी को उसमें फिट करता है वो चलने लगता है, लेकिन कुछ देर में उसका बनाया हुआ गैजेट ठीक से काम नहीं करता और वो अपने आप बंद हो जाता है। फिलिप अपने एक्सपेरिमेंट से नाराज होकर वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी यहाँ मैडी अपनी मॉम मैन रैथ के साथ उससे मिलने आती है, लेकिन वो नहीं रुकता और आगे जाने लगता है। फिर मैडी उसे देखने के लिए उसके पीछे चली जाती है। इधर उसकी मॉम और हंटर वैन में आ जाती हैं, जहाँ वो उसके स्कूल टाइम की फोटोज देखने लगती हैं। फिर हमें पता चलता है कि हंटर को अपने स्कूल टाइम में मैन रैथ पर क्रश था। खैर इसके बाद वो दोनों बाहर आकर वॉक पर चले जाते हैं। फिलिप शहर में आ जाता है, जहाँ मैडी उसे समझाती है और शांत कराती है। दूसरी तरफ राडू एक बार में आकर उस केकड़े के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। फिर वो बार काउंटर से ड्रिंक मांगने लगता है,
लेकिन बारटेंडर उसकी उम्र कम समझकर उसे ड्रिंक नहीं देती। असल में राडू माइंड से थोड़ा कमजोर होता है, इसी वजह से वो अजीब बिहेव करता है। खैर रास्ते में उसे फिलिप और मैडी मिल जाते हैं। वो उन्हें बताने लगता है कि अभी उन पर केकड़ो ने अटैक किया, लेकिन दोनों उसकी बातों पर यकीन नहीं करते। तभी वहाँ एक केकड़ा आ जाता है जिसे मैडी आगे बढ़कर देखने लगती है। राडू उसके पास जाने से मना करता है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। अब वो जैसे ही अपना हाथ उसके पास लाती है वो उन्हें कुछ नहीं कहता और अजीब